देखो ये इसके पिछले के मास में हम बात किए थे क्या सियांग डिवीजन, आज हम बात करते हैं सबसे पहले जो सियांग डिवीजन का पार्ट है माइटोसिस। हमने इसके पीछे जो बात किया था वो बात हुआ था कि मेरे पास सियांग साइकम क्या है और सियांग साइकम को रोकने वाला कौन कौन से केमिकल्स है। आज उसमें ही बात करते हैं हम, मेरे पास क्या होगा कि सियांग साइकम का जो फर्स्ट स्टेप है जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस, है ना, ये हम माइटोसिस की बात करेंगे। तो आज स्टार्ट करें माइटोसिस। माइटोसिस मतलब माइटो जो वर्ड आया है उसका मतलब है थ्रेड, है ना, और ओसिस मतलब है पार्ट। मतलब यहाँ पर सिंपल से बात किया जाए तो जो सेम डिवीजन है उसमें थ्रेड फॉर्मेशन होगी। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अमाइटोसिस, और अमाइटोसिस में किसी भी तरीके का थ्रेड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारा थ्रेड का फॉर्मेशन होगा, और थ्रेड का फॉर्मेशन होगा तो देखो माइटोसिस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। माइटोसिस में दो पार्ट होंगे, एक तो होगा तेरा कैरियोकाइनेसिस, बताए थे क्या पीछे कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा तेरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस जिसमें क्या होता है कैरियो जो वर्ड आया जाता है वो आया जाता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, है ना, किसकी बात करता है न्यूक्लियस डिवीजन की बात करता है। तो यहाँ से जो बात करेंगे वो होगा सर मेरा न्यूक्लियस डिवीजन, क्या होगा इसमें न्यूक्लियस डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस जहां पर क्या होंगे तुम्हें डिवीजन ऑफ सेम मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, ऐसा नहीं सकते डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या इसको सेम मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेम डिवीजन भी इसे कह सकते हैं, है ना। अब अगर देखो कैरियोकाइनेसिस में तुम्हारे पास चार फेज चलता था, है ना, क्या क्या होता था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और क्या होता था ये टेलोफेज, ये चार फेज होते थे, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब इसमें जो होता था यहाँ पर तो दो पार्ट, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि जो माइटोसिस टर्म है वो एनिमल के लिए अलग तरीके से यूज किया जाता है और प्लांट के लिए अलग तरीके से यूज किया जाता है। क्योंकि याद होगा अगर हम बात करें सेंट्रोसोम का जो एनिमल से हमें प्रेजेंट होता है बट प्लांट से हमें नहीं होता है, तो यहाँ पर जो थ्रेड बनाने का काम है जो सेंट्रोसोम कर रहे हैं, है ना, वहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम का ऑब्जर्वेशन किया गया, तो कहा जाता है सर जो माइटोसिस है यह माइटोसिस जो है वो अलग अलग में अलग होते हैं। एक एनिमल्स में, एनिमल में सबसे पहले माइटोसिस के बारे में जो स्टडी किए थे साइंटिस्ट उनका नाम था फ्लेमिंग, क्या नाम था फ्लेमिंग, और दूसरा जो तुम्हारे प्लांट्स में स्टडी किए थे वो प्लांट में स्टडी करने वाले कौन थे स्ट्रासबर्गर, है ना, क्या थे स्ट्रासबर्गर। तो एक तरफ फ्लेमिंग है और दूसरी तरफ स्ट्रासबर्गर, लेकिन अगर कोई कहता है कि बताओ माइटोसिस टर्म कौन लेकर के आया तो फ्लेमिंग ने क्या है, है ना, द टर्म माइटोसिस, द टर्म माइटोसिस क्वाइंड बाई फ्लेमिंग, इसने माया इसे फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म लेकर के आया। पहली बार माइटोसिस जो वर्ड था उस माइटोसिस वर्ड को कहने वाले कौन थे फ्लेमिंग थे। इनके अनुसार से देखो जो हम यहाँ पर बात करते हैं जो न्यूक्लियस डिवीजन का या न्यूक्लियस डिवीजन की जो बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस डिवीजन अगर हम प्लांट और एनिमल्स में बात करें तो प्लांट में देखो क्या होता है, पहले एनिमल्स की बात करें उसके बाद प्लांट में बात करेंगे। एनिमल में देखो अगर कोई सेम है तो इस सेम में यहाँ पर क्या होते हैं
कि सर सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन होता है और ये सेंट्रोसोम से कुछ रे बाहर आती है जैसे स्पिंडम फाइबर बोंगते है ना, ऐसे बहुत सारे रे यहाँ से बाहर आते। और ये क्या होता है, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या होते हैं, ये स्पिंडम फाइबर यहाँ तैयार हुआ और जब स्पिंडम फाइबर सेंट्रोसोम से बाहर आते हुए नजर आते हैं ना, तो सेंट्रोसोम एज अ स्टार दिखता है, स्टार के स्ट्रक्चर का दिखता है, है ना। इसमें इसे हम कहते हैं एस्ट्रम, है ना, एस्ट्रम मतलब स्टार माइक हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा होगा तुम्हें, एस्ट्रम दिख रहा होगा, एस्ट्रम डिवीजन बीच से बोला जाता है। अच्छा ऐसा ऐसा स्टार कितना दिखता है, दो, तो दो आता है इसमें, इसके एक और नाम से जानते हैं एम्फी एस्ट्रम। एम्फी मतलब बोथ होता है, एम्फी मतलब बोथ, है ना, एम्फी एस्ट्रम जैसे पढ़ते हो एम्फोटेरिक, है ना, एम्फो मतलब बोथ होता है, जो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, वैसे होता है एम्फी एस्ट्रम, जहाँ पर दोनों के इंड पे क्या दिखते हैं, स्टार माइक स्ट्रक्चर दिखता है ना। तो यहाँ भी सेंट्रोसोम है और यहाँ पर भी तुम्हें क्या दिखेगा, एस्ट्रम रेज दिखेगा और यहाँ पर भी एस्ट्रम रेज, इसे इसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रम रेज, मतलब जैसा कि फीलिंग होता है कि स्टार से कोई रे बाहर आ रहा है ना। तुम अगर कोई रात में स्टार को देखता होगा ट्विंकलिंग होते हुए, तो उसके चारों तरफ से क्या नजर आते होंगे, एक रे की तरफ नजर आता होगा। तो वैसे ही तुम्हें यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सेंट्रोसोम है, उस सेंट्रोसोम को जब माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है, तो माइक्रोस्कोपिक नेवम पर यह स्टार की तरह नजर आता है ना। इस समय इसको क्या कहा जा रहा है, एस्ट्रम रेज, या इसी को कहते हैं एस्ट्रम, एम्फी एस्ट्रम, या इसी को कहते हैं सेंट्रिक, सेंट्रिक डिवीजन, है ना। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं, क्योंकि सर यहाँ पर सेंट्रोसोम जो प्रेजेंट होता है या जो सेंट्रियोम्स प्रेजेंट होता है, वो सेंट्रियोम्स या सेंट्रोसोम क्या होते हैं, जब स्पिंडम फाइबर फॉर्म करती है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, बताओ ये कौन सा प्रोटीन से बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, जब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनाना शुरू करता है स्पिंडम फाइबर का फॉर्मेशन, तो एनिमल्स में ये कैसा दिखता है, एस्ट्रम रेज की तरह दिखता है ना। ऐसी एस्ट्रम रेज के ऊपर आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या जाते हैं, क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है ना, यहाँ पर एक क्रोमोसोम आकर के अरेंज हो जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होगा यहाँ से, और यही क्या करेगा, स्ट्रक्चर मतलब इस तरीके से इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा किसमें, एनिमल्स, है ना। जबकि अगर प्लांट की बात करें, तो प्लांट में जो सेल डिवीजन होते हैं, वो प्लांट में सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है, इस तरीके से, यहाँ पर तो सेंट्रोसोम होते नहीं है, यहाँ तो क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होते, बट ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाता है, स्पिंडम फाइबर तो फॉर्म होती है, लेकिन विदाउट क्या होता है, विदाउट सेंट्रोसोम, है ना, बिना सेंट्रोसोम का इस प्लांट सेल के अंदर क्या होता है तुम्हें, स्पिंडम फाइबर का फॉर्म होता है। इसमें ऐसे स्पिंडम फाइबर को अनएस्ट्रम रेज बोला जाता है, क्या कहा जाता है इसे, अनएस्ट्रम मतलब यहाँ पर क्या है, स्टार के जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं पाते, तो इन प्लांट मुझे क्या होगा, कोई स्टार्च का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई, स्टार जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई पड़ेगा, बट इन एनिमल्स से ये क्या होगा तुम्हें, स्टार माइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, है ना। तो एनिमल सेल्स के अंदर क्या होगा, स्टार माइक स्ट्रक्चर होगा, जबकि प्लांट सेल के अंदर किसी भी टाइप का स्टार माइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एन एस्ट्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एन एस्ट्रम, है ना। तो यहाँ एन एस्ट्रम होगा या अनसेंट्रिक बोला जाएगा इसे, है ना, या एसेंट्रिक डिवीजन, क्या कहा जाएगा इसे, एसेंट्रिक डिवीजन कहा जाएगा, यहाँ पर कोई सेंटर तैयार नहीं होगा डिवीजन करने के, जबकि यहाँ पर जो सेंटर तैयार होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रोम्स होते हैं, और ये सेंट्रोसोम या सेंट्रोम्स जो होता है वो तुम्हें क्या करता है, डिवीजन में पार्टिसिपेट कराता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का सेंट्रोम्स या सेंट्रोसोम की फॉर्मेशन नहीं होती, तो सेंट्रोम्स या सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये किस में होते हैं, प्लांट्स, कोई दिक्कत है। ये तो हो गया तुम्हारे पर न्यूक्लियर डिवीजन, जबकि अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का, तो पहले कॉपी करो उसके बाद देखते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्या होता है, सेम साइकम में ही सेम डिवीजन होता है, मतलब क्या होता है, पूरे पैन लाइफ चलेगा, उस लाइफ में ही एक पार्ट है जहाँ पर क्या है, सेम डिवीजन है। तो तुम्हें क्या हुआ था, हमने पूरे सेम साइकम में बताया था कि सेम साइकम में क्या होता है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, यही सब तो क्या है तुम्हारा सेम डिवीजन का फेज। अब हाँ, एक सेम में क्या होगा, एक बार होगा ये, है ना, एक बार तुम्हारे पास क्या होगा कि ये सारे प्रोसेस चलेंगे, जिससे सबसे पहले क्या चला था, जीवन, फिर क्या चला था, एस, फिर तुम्हारा जी टू, और उसके बाद चलना शुरू होता है क्या, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेमोफेज। तो ये सारे प्रोसेस मिल करके हम लोग क्या कहते हैं, पूरी लाइफ को सेम साइकिल कहते हैं, पूरा मिला के क्या कहते हैं, सेम साइकिल।
लेकिन उसमें सेम रिवीजन का जो रीजन था वो एम था, इंटरफेज और मेटाफेज पर रहते। इंटरफेज है ना तुम्हारे पास, वो इंटरफेज पूरा ग्रोथ फेज था, और जो एम फेज था उस एम फेज में तुम्हारे पास क्या होते हैं, सेम डिवीजन फेज आते हैं। तो ठीक है, और पूरा फेज में आके इंटर फेज और एम फेज में आके उसको क्या कहते हैं, सेम साइटम कहते हैं। तो ठीक, और एम फेज में सेम डिवीजन होगा। हो गया मिटा इसको। एस फेज सिंथेटिक फेज होता था, नहीं क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती, सिर्फ डीएनए की संख्या डबंग हो जाती है ड्यूरिंग एस फेज, क्योंकि क्रोमोसोम तो तब बनते हैं ना जब सेम डिवीजन होती है, उसके पहले क्रोमोसोम नहीं क्रोमैटिन बनता है ना, तो क्रोमोसोम तो वहाँ बना ही नहीं, क्रोमोसोम मुझे अपीयर होता है ड्यूरिंग सेम डिवीजन, एस फेज उससे पहले ही चल जाता है। तो एस फेज में डीएनए की संख्या डबंग होती है, जो बाद में जाकर क्रोमोसोम का रूप लेगा तो क्रोमोसोम की संख्या डबंग होगी। हम अभी एक एक करके चारों प्रोसेस पढ़ेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। गई अगर हम देखें प्लांट और एनिमल में सेम डिवीजन या साइटोकाइनेसिस देखें, तो इसमें दो में अंतर होता है। थोड़ा सा देखो क्या अंतर होता है, ये अंतर आता है यहाँ से कि मेरे पास क्या होता है, जब हम सेम डिवीजन कर रहे होते हैं इन एनिमल्स, जब हम एनिमल में कर रहे होते हैं तो मेरे पास क्या होता है कि ये जो सेम है, इस सेम में एक यहां से क्या होते हैं, इस तरीके से अंदर की ओर जाने लगता है, इस तरीके से अंदर की ओर जाने लगता है, इसे हम कहते हैं ग्रूव। क्या बोलते हैं इसे, ग्रूव या फॉरो, क्या बोलते हैं, ग्रूव या फॉरो है ना। और ये धीरे धीरे अंदर जाते जाते क्या हो जाता है, इससे जाके मिल जाता है, इसके कारण से क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इधर एक न्यूक्लियस हो जाएगा और एक न्यूक्लियस इधर हो जाएगा है ना। तो यहाँ से क्या होते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर जाता है, और अंदर की ओर जाते जाते इस तरीके से, जैसे अगर सोचो सिंपल सा टर्म ऐसा है ना कि सर ये इस तरीके से मानो पूरा सेम बना हुआ, तो ये धीरे 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 ये ऐसे जाने लगती है, यह अंदर की ओर जाने लगती है, और ये अंदर की ओर जाकर के यहाँ से दो पार्ट में क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। ऐसे में तो जो पेरीफेर है, जो किनारा उसका है इक्वेटर पर, उस इक्वेटर से ये अंदर जाने लगता है, अंदर की ओर धंसने लगता है। तो ये जो अंदर की ओर धंसा ना, इसे बोलते हैं ग्रूव, इसे क्या बोलते हैं, ग्रूव। और वो ग्रूव बनता जाएगा, इस तरीके से जाता जाएगा, और एक समय पर ये आपस में चिपक जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दो पार्ट में टूट जाएगा है ना। तो ये बाहर से अंदर की ओर आता है, बाहर से सेंटर की ओर आता है, इसमें ऐसे सेम डिवीजन को कहते हैं सेंट्रीपेटम सेम डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रीपेटम। बाहर से कहाँ की ओर आ रहा है, सेंटर की ओर आ रहा है, इसमें इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटम सेम डिवीजन। कोई दिक्कत, यहाँ से क्या कहा जाएगा इसको, सेंट्रीपेटम सेम डिवीजन। क्यों, ये कहाँ आ रहा है, पेरीफेरम टू सेंटर है ना, सेम मेम्ब्रेन कहाँ से टूट रहे हैं, पेरीफेरम टू सेंटर। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव फ्रॉम पेरीफेरम टू कहाँ की ओर, सेंटर की ओर है ना, तो सेंटर ऑफ सेम। और इस तरीके से सेंटर ऑफ सेम की तरफ आते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीपेटम सेम डिवीजन। कोई दिक्कत है ऐसे में, लेकिन याद होगा हमने जब सेम पढ़ा था तो प्लांट सेम में बताए थे कि प्लांट सेम में पहले क्या तैयार होता था, सेम पंगाइट पता था, क्योंकि प्लांट सेम में क्या होते हैं, सेम वर्म प्रेजेंट होती है, और सेम वर्म जो होता है वो क्या होता है, एक हार्ड मेम्ब्रेन होता है, वो उसको आसान से वो नहीं आ सकता है ना। तो देखो अगर ये प्लांट सेम की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा एक प्लांट है, सेम है, ये सेम मेम्ब्रेन हो गया इसका, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर सेम वॉर्म प्रेजेंट होती है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, सेम वॉर्म होता है। अब ये सेम वॉर्म अंदर तो नहीं जा सकता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले छोटा सा सेम वॉर्म बनते हैं, यहाँ पर याद होगा डिक्टियोसोम है ना, यहाँ पर बाउंड्री बॉडी इंडोप्लाज्मेटिक मैट ये सब मरता था, वो जमा हो जाता था, और उसके बाद फिर वहाँ से पेक्टिन होते थे, पेक्टिन उसके ऊपर नहर मत जाने के कारण से वहाँ पर क्या होता था कि फिर उससे कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्शन करता था, तो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट बनाते थे जो मिनी नाइमेगा होता था, और फिर उसके ऊपर सेमोंगोल का डिपोजिशन होता था, जिसके कारण वहाँ क्या हो जाते थे, एक सेम वॉर्म की फॉर्मेशन हो जाती थी। तो ये सेंटर से होता था, सेंटर से तैयार होता था, और ये धीरे धीरे कहाँ की हो जाता था, बाहर की ओर है ना, तो सेंटर से बाहर की हो जाता था, और धीरे धीरे फिर बीच में क्या हो जाते थे, डिवाइड। तो यहाँ पर क्या बनता था, सेम पनेट, क्या बनता था यहाँ पे, सेम पनेट है ना, और सेम पनेट बाद में जाकर के किस में फॉर्मेशन करता था, सेम वॉर्म में। अब ये जो सेम पनेट बनता कहाँ, सेंटर से कहाँ जा रहा है,
बाहर क्यों जा रहा है। तो ऐसे संघनन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल संघनन। क्या कहते हैं इसमें? सेंट्रीफ्यूगल संघनन। तो प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल होगा और एनिमल में सेंट्रीपेटम होगा, है ना। एनिमल में क्या होंगे? बाहर से अंदर क्यों टूटेगा, बाहर से अंदर क्यों टूटेगा, बाहर से ये पार्ट आएगा और ऐसा सिकुड़ता चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होंगे? सेम पॉइंट बनेंगे, अंदर से स्टार्ट होगा, सेंटर से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे जाकर के क्या हो जाएगा, इस पार्ट में आके के टच करेगा, है ना। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगम हो जाएंगे, फ्यूगम सेंट्रीफ्यूगम हो जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगम कहाँ होगा? सेम पॉइंट फॉर्मेशन, सेम पॉइंट फॉर्मेशन फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरम, है ना, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरम। सेंटर से बाहर क्यों जाएगा, सेंटर से कहाँ जाएगा, बाहर क्यों, उसे कहोगे सेंट्रीफ्यूगम, है ना, उसे क्या कहोगे सेंट्रीफ्यूगम। और अगर बाहर से सेंटर की ओर आया तो उसे क्या कहोगे सेंट्रीपीटम। समझ में आएगा दोनों में सेंट्रीपीटम क्या है और सेंट्रीफ्यूगम क्या है। तो एक डिफरेंस समझ में आया कि सर प्लांट में न्यूक्लियर डिवीजन कैसे होते हैं और एनिमल में न्यूक्लियर डिवीजन कैसे होता है। फिर हमने देखा कि प्लांट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरीके से डिवाइड करता है और एनिमल्स का किस तरीके से डिवाइड करता है, ना। तो दोनों में हमने डिवीजन का तरीका देखा कि दोनों किस तरीके से डिवाइड करते हैं। और चलो सेल माइटोसिस का पहला फेज की बात करते हैं, जो कौन है तुम्हारा, प्रोफेज। तो पहले यहाँ से देखते हैं, यहाँ से माइटोसिस का फर्स्ट फेज। अच्छा, माइटोसिस एक कैसा संघनन है? माइटोसिस जो होता है ना, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, है ना। इक्वल संघनन क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड डॉटर से, डॉटर से और पेरेंट से में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना। क्रोमोसोम इसमें डिफरेंट नहीं होता। जैसे अगर अच्छा ये दोनों सेम में होते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड समझते हो? हैप्लॉइड इसको कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या वन सेट होता है, एक पेयर होता है ना। जबकि मेरे पास क्या होता है, अगर एक सॉरी वन सेट होता है, अगर दो सेट में क्रोमोसोम होगा, पेयर फॉर्म में क्रोमोसोम होगा, उसे डिप्लॉइड कहा जाता है। तो अगर मेरे पास लिखेंगे इट अकर्स इन बोथ, इन बोथ हैप्लॉइड एंड होते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होता है ना। हैप्लॉइड में क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम की संख्या एन है, एक पेरेंट सेम है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या एन है, तो इसमें जब माइटोसिस होगा तो एन और एन दो डॉटर में डिवाइड होगा, है ना। तो जितना पेरेंट्स में है उतना ही तुम्हारे क्या होंगे, उसके डॉटर सेम में भी होंगे। डॉटर सेम बताए थे, जब एक सेम टूटता है तो वो दो डॉटर सेम को जनरेट करता है, है ना। तो ये हो गया इसका पेरेंट्स सेम, ये क्या हो गया इसका पेरेंट्स सेम, और ये दोनों जो बना, ये दोनों क्या बनेगा तुम्हारा, डॉटर्स, है ना। तो एक पेरेंट्स सेम और डॉटर सेम में जब माइटोसिस होती है, क्या होती है इसमें, माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस के समय पे एक पेरेंट सेम जब दो डॉटर सेम में जाती है, है ना, तो वहाँ पर एन और एन बन जाता है। बताओ ये कैसा सेम है तुम्हारा, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है, है ना। कैसा है ये? हैप्लॉइड, है ना। डिप्लॉइड कब होता है? डिप्लॉइड होता है जब टू एन के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? टू एन, है ना, टू एन के रूप में आता है डिप्लॉइड। और जब इसके डिवाइड होंगे, माइटोसिस होगा, तब इसके जो पेरेंट सेम डॉटर सेम बनेगा वो भी किस किस फॉर्म में बनेगा, 2n 2n के फॉर्म में ही बनेगा। असल में तो हैप्लॉइड में भी होगा और ये किस में होगा, डिप्लॉइड में भी होगा, और हैप्लॉइड में भी होगा और डिप्लॉइड, ये हो गया तेरा डिप्लॉइड सेम। और यहाँ पर जब माइटोसिस कराओगे, है ना, इस डिप्लॉइड के अंदर जब माइटोसिस कराओगे, तो इस माइटोसिस में भी तुम्हें क्या दिखेंगे कि डॉटर सेम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेम के बराबर है। किसके बराबर है? पेरेंट सेम के बराबर है। पेरेंट्स में जितने से पेरेंट सेम में जितना से क्रोमोसोम है, उतना ही क्रोमोसोम तुम्हें क्या दिखेंगे, डॉटर सेल्स में दिखेंगे। ऐसे जो सेम डिवीजन होते हैं, इस सेम डिवीजन को एक और नाम हम देते हैं, जिसे बोलते हैं इक्वेशनल सेम डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे? इक्वेशनल सेम डिवीजन। क्योंकि सर इसमें क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा इक्वल होता है, इसमें से बोलते हैं इक्वेशनल सेम डिवीजन। कॉपी करो इसको, उसके बाद देखते हैं।
इसको क्या बोलोगे? इक्वेशन सेम डिवीजन। इक्वेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा क्या रहते हैं? इक्वंग रहते हैं, है ना? इक्वंग रहते हैं, इसमें इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन सेम डिवीजन कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? अब इसमें देखोगे, पहले बात हम करें सर प्रोफेज का। अच्छा, प्रोफेज करने से पहले अगर हमने प्रोफेज की बात किया तो प्रोफेज चलने से पहले क्या क्या हो चुका होता है? सेल में जीवन चल रहा होता है ना, ग्रोथ फर्स्ट पेज या गैप फर्स्ट पेज वहां पर स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसमें जितने भी ग्रोथ होने होंगे सब हो जाएगा। प्रोटीन बनना होगा, है ना, उसमें क्या होंगे? आरएनए तैयार होने होंगे, उसमें एटीपी की फॉर्मेशन होना होगा, है ना। ये सारे चीज की फॉर्मेशन किसमें हो जाएगा? जीवन फेज। जीवन के बाद क्या हो चुका होगा? एस फेज, है ना। एस फेज में क्या होता था? सिंथेटिक पेज, जिसमें क्या होते थे? क्या क्या होता था इसमें? डीएनए दबंग हो जाता था, और क्या हो जाता था इसमें? सेंट्रोसोम दबंग हो जाते थे, सेंट्रोस दबंग हो जाते थे, है ना, यहाँ से। और एस फेज के बाद हम लोग क्या चलते थे? डी टू फेज। ये तीनों फेज जब क्लियर हो जाएगा, जीवन, एस और क्या, जी टू, जब ये तीनों फेज क्लियर हो जाएंगे तब जाकर के मेरे पास क्या आएगा? प्रोफेज, है ना। तब जाकर क्या आएगा मुझे? प्रोफेज, समझ में आया, है ना। तो पहले जीवन, फिर एस, और फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा? जी टू। तो जीवन, एस, जी टू जब चल जाएगा तब प्रोफेज आएगा। अब ये प्रोफेज में देखो क्या होता है। पहला तो यहां से देखो, अगर कोई सेल है, हम एनिमल सेल का एग्जांपल लेके चले, यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट, है ना। तो अगर प्रोफेज में पहला हम उसकी बात करें जो तुम्हारे पास क्या है? इंटरफेज में, मतलब ये फेज में सेल, इस फेज में सेल होता है क्या होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ क्रोमेटिन होता है इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर क्या होता है? इसका दो सेंट्रोसोम बन जाती है। कितने सेंट्रोसोम बन जाते हैं? क्योंकि सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो गया, है ना, यहाँ क्या हो गया? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम हो गया। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम हुआ, इसको थोड़ा सा नीचे रखते ताकि हम फिगर बना सके, है ना। यहाँ क्या हो गया? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की संख्या यहां पर क्या हो गया? डबंग हो गया। साथ में एस फेज चलने के कारण से डीएनए की संख्या भी क्या हो गया? डबंग हो गया, है ना। डीएनए की संख्या क्या हो गया? डबंग। तो नंबर ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ डीएनए इज डबंग, या ना, डबंग डीएनए इज डबंग। अच्छा, इसको एक तरह से ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर अगर यहाँ पर क्रोमोसोम, अगर मान लो, अगर इसके पास क्रोमोसोम मान लो कि तुम्हारे पास क्या है? चार है, तो चार को पेयर के रूप में लिखोगे, फोर क्रोमोसोम को किसके रूप में लिखोगे? पेयर के रूप में। इसको लिखा जाएगा 2n, n बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा? तो क्रोमोसोम ऐसा होंगे। बट डीएनए अगर पहले 2c था, अगर डीएनए है तो डीएनए बढ़ गया है, क्रोमोसोम नहीं बढ़ा है। तो डीएनए की संख्या को अगर 2c लिखते हैं तो ये 2 टाइम्स क्या हो गया? बढ़ गया ना। तो अब ये डीएनए कितना हो गया है? 4c। तो डीएनए की संख्या डबंग हुआ है बट क्रोमोसोम की संख्या डबंग नहीं हुआ। तो लिखेगा इन इंटरफेज, जो तुम्हारा सेल का इंटरफेज चलता है, उस इंटरफेज में डीएनए की संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन उससे क्रोमोसोम नहीं बनता, क्योंकि क्रोमोसोम की फॉर्मेशन मेरे पास कहाँ होंगे? सेम डिवीजन के ड्यूरिंग होगा, जहाँ पर हमें, हाँ, क्रोमैटिन की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, क्योंकि डीएनए बढ़ा है, डीएनए के साथ साथ हिस्टोन बढ़ा था। और जब हिस्टोन और डीएनए आपस में मिलते थे, जब हिस्टोन और डीएनए आपस में मिलता था तो वहाँ पर क्या बनता था? क्रोमैटिन। क्या बनता था वहाँ पर? क्रोमैटिन। तो बताओ क्रोमैटिन की संख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्रोमैटिन की संख्या बढ़ा है। अगर क्रोमैटिन की संख्या बढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर बढ़ गए होंगे, है ना। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमैटिन पाए थे, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमैटिन कहाँ पर होती है? एस फेज में। कहाँ पर होगा? एस फेज में। तो एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमैटिन, और क्या होता था? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमैटिन में दो पार्ट होता था, क्या क्या?
एक होता था तुम्हारा हिस्टोन का डबंग हो जाना, क्या हो जाता था, हिस्टोन का डबंग हो जाना, और दूसरा होता था डीएनए की संख्या का डबंग हो जाना, था ना। तो या तो हिस्टोन डबंग हो जाएगा या तो फिर क्या हो जाएगा, डीएनए की संख्या डबंग हो जाएगी। तो यहाँ पर डीएनए की संख्या और क्या हो जाता था तुम्हारा, हिस्टोन डबंग हो जाते थे, और साथ में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हुआ कि सर डुप्लीकेशन ऑफ क्या हो गया, क्रोमैटिन, किसका हो गया, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन का डुप्लीकेशन हो गया, यहाँ सब कुछ डबंग हो गया, यहाँ पर प्रोटीन्स एंजाइम्स जो कुछ चाहिए था, एटीपी जितना चाहिए था, सब कुछ यहाँ पर बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया, है ना। अब देखो जब ये डिवीजन फेज में जा रहा है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, हम साथ साथ में लिखते जाएंगे, है ना, फिगर भी दिखाते जाएंगे और साथ साथ में लिखते जाएंगे क्या क्या होगा इसमें। अभी कुछ भी नहीं सोचते इसमें, क्योंकि दोनों काम हो रहा है, अभी हम डिप्लोमाइट पर बात कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, डिप्लोमाइट, इसमें हाइपोमाइट रखें या डिप्लोमाइट, बातें क्या होंगी सेम, जैसे डिप्लोमाइट में टूटेगा वैसे किस में टूटेगा, हाइपोमाइट में टूटेगा, है ना। अभी तुम देखिए कि दोनों में क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो देखो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा इसमें कि जो इसके अंदर क्रोमैटिन है वो क्रोमैटिन कंडेंस्ड होगा, क्या होगा ये, कंडेंस्ड होगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखो दो प्रोफेज होते हैं, कितने टाइप का प्रोफेज होता है, दो प्रोफेज होता है, एक होता है अर्नी प्रोफेज जो स्टार्टिंग होती है, है ना, प्रोफेज का कितना पार्ट, दो पार्ट, एक पहला पार्ट लिखते हैं अर्नी प्रोफेज, अर्नी प्रोफेज, अर्नी प्रोफेज में देखो क्या होता है, पहला होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन कंडेंस्ड होता है, क्रोमैटिन क्या होते हैं, कंडेंस्ड। अब क्रोमैटिन एक थ्रेड था, धागा जैसा था, देखो इसमें क्रोमैटिन क्या था, धागा जैसा था, और ये अब एक दूसरे से क्या होने लगा, कंडेंस्ड होने लगा, इस तरीके से, इस तरीके से इसमें क्या होने लगा, कंडेंस्ड होने लगा। ऐसे में याद होगा सेम में पढ़ाए थे कि आइजनाइज समझो कि जो क्रोमैटिन है उस क्रोमैटिन को हम क्या किए, जैसे कपड़ा धोते हैं तो कपड़े से वाटर निकालना होता तो हम क्या कहते हैं, पूरे कपड़े को ऐंठ देते हैं, है ना, कपड़े में ऐंठन लगाते हैं, वो जो कपड़े में टॉर्शन कर रहे हैं, ऐंठन लगा रहे हैं, उस टॉर्शन के कारण से वाटर निकालना है, उस प्रोसेस को ही कह रहे हैं कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को ही क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन जो होता है उसी तरीके से क्या होने लगता है, कंडेंस्ड होने लगता है। ऐसे में इसी के कारण से यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमैटिन होता है, क्या होता है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट मतलब लॉस ऑफ वाटर, है ना, लॉस ऑफ वाटर। तो इस निकमो प्लांट में जो वाटर है वो वाटर क्या होना शुरू हो गया, लॉस होना शुरू हो गया, और इसमें से कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमैटिन, क्या कहते हैं इसे, डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमैटिन। इसी को कंडेंसेशन बोल दो या इसी को क्या बोल दो, डिहाइड्रेशन। अर्नी प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, उसके बाद क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमैटिन, और साथ में क्या होगा कि ये जो सेंट्रोसोम होंगे ये सेंट्रोसोम मूव करने शुरू करेंगे कहां, अपोजिट पोल पे, है ना। तो दूसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे, मूविंग ऑफ सेंट्रोसोम, मूविंग ऑफ सेंट्रोसोम इन अपोजिट पोल, ये सेंट्रोसोम क्या होना शुरू हो जाते हैं, अपोजिट पोल पे जाना शुरू होता है, किधर, एक किधर हो गया ना, इसमें क्या हो गया थे, क्रोमोसोम कंडेंसेट हो गया था, ये तो ये क्रोमोसोम कंडेंसेशन हुआ था यहाँ पे, और साथ में क्या हो गया कि ये अपोजिट पोम पे मूव करना शुरू कर दिया। उसके बाद चलता है नेट प्रोफेज, नेट प्रोफेज में क्या होते हैं, नेट प्रोफेज में होता है कि सर सबसे पहले ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होता है, है ना, डिसअपीयर, डिसअपीयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपीयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, मतलब ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, और साथ में फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडम फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडम फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडम फाइबर, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पिंडम फाइबर का। तो ये स्पिंडम फाइबर कुछ इस तरीके से बनना शुरू हो जाते हैं,
है ना, यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाता है, स्पिंडम फाइबर। और जब ये स्पिंडम फाइबर बनती है तो इसके ऊपर आकर के ये स्पिंडम फाइबर जाकर ज्वाइंट होती है किससे, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम से, है ना। तो क्या होगा कि सेंट्रोमियर ऑफ ज्वाइंट विथ स्पिंडम फाइबर ज्वाइंट विथ क्या होगा, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है कि देखो ऐसा रहता है क्रोमोसोम इस तरीके से यहां पे, और यहां पर इसका सेंट्रोमियर होते हैं। इस सेंट्रोमियर के आसपास क्या होता है, कुछ प्रोटीन का लेयर होता है, ये हो गया अंदर में सेंट्रोमियर, अंदर में क्या हो गया सेंट्रोमियर, और ये सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन का लेयर होता है, इसे बोलते थे काइनेटोकोर। क्या बोलते थे इसे, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से जुड़ता है क्या, स्पिंडम फाइबर, है ना। इस काइनेटोकोर से कौन जुड़ता है, स्पिंडम फाइबर। तो यहां से जुड़ा कौन, स्पिंडम फाइबर, यहां से क्या जुड़ा, स्पिंडम फाइबर। कोई दिक्कत है तो तुम्हारे पास क्या हो गया कि सर यहां से पहले क्रोमोसोम पे ये क्या हुए कि पहले ये जो सेंट्रोसोम था ये सेंट्रोसोम अपोजिट क्रोम पे गया और यहां से फॉर्मेशन करना शुरू किया किसका, स्पिंडम फाइबर का। उसके ऊपर आकर के क्या हो गया, वो स्पिंडम फाइबर जाके क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हुआ, और सेंट्रोमियर से अटैच हुआ तब आगे इसको खींचने का कोशिश करेगा। इसके पहले अब यहां से चलेगा क्या तुम्हारा, यहां से चलेगा मेटाफेज। क्या चलेगा यहां से, मेटाफेज। अच्छा इसमें याद रखना, इसमें नंबर ऑफ डीएनए क्या रह गया, इसमें नंबर ऑफ डीएनए यहां पर जो हुआ ये नंबर ऑफ डीएनए तुम्हारे पास क्या रह जाएंगे, 4C, जो तुम्हारे पास डीएनए की संख्या था वही रह जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। नंबर ऑफ डीएनए कितना हो गया, 4C, है ना। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी इसमें क्या रह गया, जो फिक्स था वही रह गया, है ना, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम का कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है, क्रोमोसोम का कोई भी डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटे हैं और ये सारे क्या हुआ है, इसके ऊपर आकर के अरेंज हुआ है। कोई दिक्कत, आप कॉपी करें इसको, सबसे स्मॉन्गेस्ट फेज तेरा आएगा मैटोफेज, स्मॉन्गेस्ट तेरा प्रोफेज, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं ना। इसमें क्या हुआ तुम्हारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना, कंडेंसेशन होना, उसके बाद क्या होना, स्पिंडम फाइबर का फॉर्मेशन होना, यहाँ शिक्षा चलना, है ना, बहुत क्वेश्चन हो गया, ये सब अंत में खत्म हो जाता, हो गया ये, इधर मिटाए। नेक्स्ट बात करें हम लोग मेटाफेज का, नेक्स्ट बात करें हम यहां से मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है कि अगर यहां से क्या हुआ, सेंट्रोसोम है, अब तो निकलना मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास, यहां पर सेंट्रोसोम है, और इस सेंट्रोसोम में यहां से क्या बना हुआ, इसका स्पिंडम फाइबर, और इसके ऊपर अरेंज हुए क्या, क्रोमोसोम इस तरीके से, एक लाइन पे, है ना, यहां पर एक लाइन पर ये अरेंज हुआ है, है ना। तो लिखेंगे क्रोमोसोम अंगाइन, अंगाइन मतलब एक लाइन पे, है ना, ऑन क्या हो जाएगा, इक्वेटर, अंगाइन ऑन इक्वेटर, क्या हो गया, ये दोनों सेम का पोंग हो गया, ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा, पोंग हो गया, और ये दो पोंग के बीच में जो बनेगा वो इक्वेटर होगा, है ना। तो क्रोमोसोम जो अरेंज होंगे वो अरेंज होंगे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा होगा डिस्क, जो अभी हम क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला क्रोमोसोम है वो बड़ा वाला क्रोमोसोम पेरिफेरल में होगा, साइड साइड में होगा, फिर उससे छोटे क्रोमोसोम जो होंगे उसके अंदर आएंगे, और सबसे अंदर छोटे छोटे क्रोमोसोम, तो बड़ा से छोटा, है ना, बाहर से सेंटर की ओर जाएगा, तो क्रोमोसोम एक पंगेट की तरह अरेंज होगा, क्योंकि सेम एक 3D है, बोर्ड पे तो क्या दिख रहा तुम्हें 2D, लेकिन इमेजिनेशन कैसा करना है 3D का, कि सर ऐसा 3D है, इसके साइड साइड में बड़े बड़े क्रोमोसोम होंगे, फिर उसके नीचे उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सेंटर पर जाते जाते पंगेट की तरह सेंटर क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे।
उसे हम बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलेंगे उसे? मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम लाइन ऑन इक्वेटर। उसे हम लिखेंगे क्रोमोसोम अरेंज एज प्लेट, है ना। यहाँ से क्या होता है? प्लेट जैसा अरेंज होना शुरू होता है। इसके बाद इस जगह ही क्या होते हैं कि सर ये अरेंज एज प्लेट, इसीलिए इसको ब्रैकेट में दोगे इसको मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेज में हो रहा है, इसमें से क्या कहोगे? मेटाफेजिक प्लेट। कोई दिक्कत है? यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि अच्छा अरेंजमेंट जो होगा उसमें क्या होगा कि जो लार्जर क्रोमोसोम होंगे वो पेरिफेरल रहेगा और जो तुम्हारे शॉर्टर क्रोमोसोम रहेंगे वो कहाँ रहेगा? टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ रहेगा, है ना। तो लार्जर क्रोमोसोम ऑन पेरिफेरम एंड स्मॉलर क्रोमोसोम, स्मॉलर क्रोमोसोम अरेंज टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। ये क्या होते हैं? बराबर मार्ग उसका बाहर में रहता है और उससे छोटे छोटे क्रोमोसोम कहाँ किए जाते हैं? सेंटर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर एक क्या होता है? पंगेट की तरह फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर अब क्या होता है? स्पिंडम फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है ना, स्पिंडम फाइबर अपनी तरफ मूव करने लगता है, लेकिन बहुत स्लो। यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होता है? बहुत ही धीरे होता है, है ना। तो लिखेंगे स्पिंडम फाइबर मूव्स, स्पिंडम फाइबर मूव्स टुवर्ड्स, कहाँ की ओर मूव करेगा? मूव्स टुवर्ड्स कहाँ की ओर? पोंग की तरफ। किधर मूव करेगा? पोंग, है ना। मूव्स टुवर्ड्स पोंग, यहाँ से ये पोंग की तरफ मूव करने लग जाएंगे। ये इधर की ओर चलना शुरू हो जाएगा, है ना। और जब इधर की ओर चलना शुरू होगा तो यहाँ पर क्या होंगे? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर यहाँ से टूटेंगे। तो इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम एनाफेज में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? एनाफेज। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्रोमोसोम अरेंज हुआ मेटाफेजिक प्लेट का हुआ, अब ये धीरे धीरे क्या होने लगा है? इसमें खिंचाने लगा है। सर कॉपी करें इसको, उसके बाद देखता हूँ। नेक्स्ट देखो एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? ये सेंट्रोसोम है, ये है। यहां पर क्या होने लगा था? ये खिंचाने लगा था। इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? यहां पर देखने को मिलता है फर्स्ट प्रोसेस कि सर ये जो क्रोमेटिड होते हैं या जो क्रोमोसोम होते हैं उसके सेंट्रोमियर डिजॉर्ब हो जाती है, काइनेटोकोर डिजॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? यहां से काइनेटोकोर डिजॉर्ब हो जाता है। इस तरीके से, है ना। यहाँ पर पहला प्रोसेस हुआ स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम सेंट्रोमियर, फ्रॉम सेंट्रोमियर। और इसमें कितने स्पिंडम फाइबर बनते हैं? तीन टाइप का स्पिंडम फाइबर होता है। ये बीच में कंटिन्यूअस स्पिंडम फाइबर आ जाता है ना, और इसके इसके बीच में भी स्पिंडम फाइबर होते हैं। और दूसरे कमर से दिखा देते हैं, इससे समझ में आता। यहाँ पर यहाँ पर तीन टाइप का स्पिंडम फाइबर दिखता है। एक तो तुम्हारा हो गया कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस जो तुम्हारे पास क्या होंगे कि दो सेंट्रोसोम के बीच में, है ना।
वहां पे क्या होगा, दो सेंट्रोसोम के बीच में एक होगा इंटर या ऐसे ऐसे मतलब फ्यूटाइम, फ्यूटाइम जानते हो, फ्यूटाइम स्पिंडम फाइबर। और ये फ्यूटाइम जो होता है ये दोनों के बीच में रहता है, हाँ ना, किसके बीच में रहता है, इसके बीच में। और यहाँ पर जो ये सेंट्रोमियर जुड़ा है किसके साथ, ये सेंट्रोसोम जो है वो जुड़ा है सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम से, इसे बोलते हैं ऐसे नोडोमर, क्या कहते हैं इसे, नोडोमर या कई में मोब्यूमर बोला जाता है, जो एक मोब्यूम से जुड़े रहते हैं। तो ये तीन टाइप का तुम्हारे पास कंटिन्यूस, तो तुमसे पूछेगा कि कंटिन्यूस तो यही है, बाकी सब क्या है, डिसकंटिन्यूस, बाकी सब क्या है, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि ये बीच में जाके छूट गया ये, है ना। अच्छा, ये जो सारे बने हुए थे वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ था, लेकिन इसमें जो बना हुआ है ये साइक्लिन और सीडीकेआ प्रोटीन का बना हुआ, किसका बना हुआ है, साइक्लिन या सीडीकेआ का। तो देखो ये बना हुआ है किससे, साइक्लिन से, फ्यूटाइम जो है वो किससे बना हुआ है, साइक्लिन प्रोटीन से, ये किससे बना हुआ है, साइक्लिन प्रोटीन से, है ना। अब बाकी सब किससे बने हुए थे, ट्यूबुलिन से। ये समझो ऐसा ही जैसे क्या हो रहा है कि सर ये जो देखो जब ये स्प्लिटिंग होंगे तो इसका जो क्रोमोसोम आर्म होगा या क्रोमेटिड का आर्म होगा वो एक दूसरे के आमने सामने होगा, होगा ना। तो यहां पर क्या होगा, आर्म ऑफ क्रोमैटिन टुवर्ड्स इच अदर, है ना, ऑफ सिस्टर क्रोमैटिन, सिस्टर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिन, दो सिस्टर क्रोमैटिन है। देखो सिंपल है, बायोलॉजी में क्या कहते हो, पहले पेरेंट होते हैं, पेरेंट से जब टूटता तो क्या बनता, डॉटर, और डॉटर अपने में क्या होगा, सिस्टर। तब बताओ एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिन ऐसा होता है इस तरह, तो ये दोनों आपस में क्या कहा जाएगा, सिस्टर कहा जाएगा। अब ये दोनों सिस्टर क्या हो रही है, यहां से इसको बांट रहे हैं, है ना। अब सिस्टर दोनों क्या कर रही है, तो भाई जब दोनों को बांटना शुरू किया तो ये दोनों सिस्टर एक दूसरे को पकड़ के रोना शुरू कर दिया, है ना, एक दूसरे को पकड़ के क्या किया, दोनों अपना आर्म एक दूसरे की तरफ फैला रहा है, हाँ ना। अब इसको, इस आर्म अगर फैला रहा है तो इसको क्या करना है, सेपरेट करना है, जैसा कि तुम मैरिज में देखते हो ना, एक बीच से घुस गया, इसको पकड़ के क्या कर दिया, इसको हटा दिया कि भाई तुम अपना घर जाओ और तुम अपना बैठे रहो, है होगा। तो दो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, उस सिस्टर क्रोमैटिड को वहां से क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो उसके बीच में कौन आते हैं, सीडीकेएस एंजाइम या फिर वहां पर साइक्लिन प्रोटीन आता है, और वो साइक्लिन प्रोटीन या सीडीकेएस जो होता है वो यहां से पकड़ के इसको क्या करता है, सेपरेट कर देता है। अरे सर में कोई दिक्कत, तो इसमें क्या होते हैं कि सर यहाँ पर तीन टाइप का स्पिंडम फाइबर का फॉर्मेशन होता है, कोई दिक्कत। और ये तीनों स्पिंडम फाइबर जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स को क्या करने शुरू करते हैं, मूव कराना शुरू कर देता है, कोई दिक्कत है, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स फॉर्म। अच्छा यहाँ पर ही देखो सबसे ज्यादा एटीपी का खर्च होता है, हम बताए थे कि एस फेज जीवन फेज में एटीपी बना के रख रहा था, है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी मॉस होगा, एनर्जी मॉस मैक्सिमम इन दिस फेज, इस फेज में सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर मॉस किया जाएगा, किसने, एना फेज में, है ना, एना फेज में सबसे ज्यादा क्या होगा, एनर्जी का मॉस होगा। यहां पर 30 एटीपी पर क्रोमोसोम क्या होते हैं, खर्च होते हैं, क्योंकि इसको सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने से एनर्जी मॉस होगा, नहीं होगा, तो एक क्रोमोसोम को सेपरेट करने में 30 एटीपी एनर्जी का मॉस होता है, असल में। तो 30 एटीपी एनर्जी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ इच क्रोमोसोम, है ना, ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ इच क्रोमोसोम ऑफ इच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम को सेपरेट होने में मुझे कितने लग जाएंगे, 30 मिनट लग जाएगा, मतलब 30 एटीपी लग जाएगा, है ना।
क्या हो जाएगा 30 एटीपी। और ये जो मूव करता है ना वो 1 नैनोमीटर पर मिनट मूव करता है, कितना मूव करता है 1 नैनोमीटर पर मिनट, एक मिनट में 1 नैनोमीटर, बहुत धीरे मूवमेंट होता है ना। तो क्या होता है, मूव टुवर्ड द पोल, टुवर्ड्स द पोल 1 नैनोमीटर पर मिनट, 1 नैनोमीटर पर मिनट ये मूव करता है, बताएगा एक मिनट में 1 नैनोमीटर ये मूव करता जाएगा इस तरफ से, और ये धीरे धीरे अब क्या हो जाएंगे यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, हो जाएगा ये। तो अंत का जो फेज चलेगा जिसमें ये पूरे तरीके से मूव करके पोम पर जाके जमा हो जाएगा, और इसी समय से क्या होगा सेम डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या होता है सेम मेम्ब्रेन फौरो बनाना शुरू करता है, डिवीजन करना शुरू करता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन अब अंदर की ओर जाने लगते हैं, सेम ग्रुप या सेम फौरो बताए थे, ये सेम फौरो या सेम ग्रुप यहाँ से बनना क्या हो जाता है शुरू हो जाता है ना इसी फेज में। तो इस फेज को मिटाएं, इधर हो गया, इधर मिटाते हैं, है ना। ड्यूरिंग दिस फेज क्या हो जाता है ग्रुप ऑफ ग्रुप या सेम फॉरो यहां से क्या होता है सेम फॉरो बनना शुरू होता है, यहां से ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब अब यहां से साइटोकाइनेसिस का पाथ भी धीरे धीरे क्या हो चुका है स्टार्ट हो चुका है, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे टेमोफेज जो इसका लास्ट फेज होता है। टेमोफेज, इस टेमोफेज में क्या हो जाता है ये जो ग्रुप बने थे ये थोड़ा बड़े हो जाते हैं इस तरीके से, है ना। टेमोफेज में क्या हो जाता है यहाँ पर ग्रुप्स बड़ा हो गया है यहाँ से, और ये धीरे धीरे अब क्या होगा यहाँ से, और ये क्रोमोसोम दो पार्ट में आकर के क्या हो जाएंगे यहाँ से बच जाएगा, और ये फिर से यहाँ से क्या हो जाएंगे कंडेंसेशन हो जाएगा इसका, मतलब यहाँ पर क्रोमैटिड फिर से भी क्या हो जाएगा जो क्रोमोसोम बना था वो क्रोमोसोम फिर से क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो यहाँ पर क्या हुए थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था यहाँ पर अपियर होना शुरू हो जाएगा, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, और यहाँ पर जो भी सेम ऑर्गन खत्म हुए थे वो सारे सेम ऑर्गन फिर से क्या हो जाएंगे अपियर हो जाएंगे। असल में तो सब कुछ क्या यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या हो गया ये सेपरेट होता गया, सेपरेट होते होते सब सेंट्रो ये वाला पार्ट इधर आके जमा हो गया और ये वाला पार्ट आकर के इधर जमा गया। आगे समझ में, तो क्रोमोसोम किस में हो गया फिर से क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो अगर तुम चाहोगे कि सर शेप ऑफ सेम कहाँ पर है तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं एनाफेज में, क्योंकि एनाफेज में अगर मान लो तुम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देखो ये आ गया, इसमें क्या क्या हो गया कि क्रोमोसोम रिटेन इन क्रोमैटिन, रिटेन मतलब फिर से वापस आ गया है ना, रिटेन इन क्रोमैटिन, फिर से किसमें आ गया क्रोमैटिन बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हो गया था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से दिखने शुरू हो जाएंगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपियर हो जाएगा यहाँ से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा अपियर हो जाएगा, है ना। जो सेम ऑर्गेनेल माइक एंडोप्लाज्मिक क्लैम गोंजी अपैरेटस, है ना, ये सब खत्म हुए थे वो सारे क्या हो जाएंगे फिर से बन जाएंगे, हो जाएगा ना। तो सेम ऑर्गेनेल्स माइक गोंजी बडीज, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा क्या गोंजी बडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स राइबोसोम, ATC और फॉर्म, ये सब फिर से क्या हो जाएंगे फिर से बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ से साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, है ना। यहाँ से क्या होगा साइटोकाइनेसिस होना शुरू होगा, तो साइटोकाइनेसिस हम पीछे पढ़ाए थे, यहाँ से क्या होते हैं साइटोकाइनेसिस ब्लूम स्टार्ट, साइटोकाइनेसिस ब्लूम स्टार्ट, यहाँ से क्या हो जाते हैं साइटोकाइनेसिस स्टार्ट, कोई दिक्कत। तो ये किस तरीके से डिवाइड हुआ समझ में आ गया, है ना। तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे कि सर ये सब इस तरीके से, अब देखो यहाँ पर क्या होता है
कि जब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो स्पिंडम फाइबर था, अच्छा ये स्पिंडम फाइबर भी तुम्हारा क्या हो गया, विजंग हो गया। अब स्पिंडम फाइबर है क्या इसमें, स्पिंडम फाइबर यहाँ से क्या हो गया, विजंगड हो गया, खत्म हो गया यहाँ से, हो जाएगा। CDKS एंजाइम या साइक्लिन प्रोटीन जो बीच में आया था वो सब भी क्या हो गया, यहाँ से खत्म हो गया, है ना। सब कुछ अंत में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर दो नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है ना। यहाँ से क्या हो जाएंगे, CDKS एंजाइम, यहाँ से साइक्लिन एंड CDKS एंजाइम, साइक्लिन प्रोटीन एंड CDKS एंजाइम, डिजाउन। अच्छा इसमें अब देखो क्या हो गया, इसमें जो अब एक सेंग बना, इसके पास डीएनए की संख्या क्या हो गया, 2C आ गया, चार था ना, चार था, अब इसमें क्या हो गया, 2C, और इसमें भी क्या हो गया, 2C। तो इसमें जो नंबर ऑफ डीएनए है वो सेपरेट हो गया, नंबर ऑफ डीएनए क्या हो गया, सेपरेट हो गया, 2C, और यहाँ पर भी क्या हो गया, नंबर ऑफ डीएनए 2C हो रहा है ना, क्योंकि फोर्सिंग ये थे, डीएनए को दबंग किए थे, तो उसमें क्या हो गया, आधा आधा बट गया डीएनए, आधा आधा डीएनए बट गया, तो तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हाफ पार्ट में इधर चला गया और हाफ पार्ट में इसमें। अच्छा क्रोमोसोम भी यहाँ सेपरेट हुए, बट क्रोमोसोम 2N 2N के रूप में रहा, 4N के रूप में कहाँ पर आया था, मेटाफेज, मेटाफेज में पूरा बट गया था वहाँ पे, तो मेटाफेज में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई थी, दबंग, है ना। यहाँ पर देखना नोट करके, जो छूट गया पीछे, ड्यूरिंग मेटाफेज, ड्यूरिंग मेटाफेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल, इज डबल, वहां पर क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गया था, डबल हो गया था, और फिर यहां पर क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन के रूप में आ गया, टू एन टू एन आ गया यहां पर। यहाँ पर किसके रूप में आ गया था, 4N के रूप में। तो तुमसे पूछ सकता है कि कौन सा फेज में होता है जहां पर क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है, तो किसमें होगा, मेटा फेज में, क्योंकि वहां पर डिवाइड हुआ था हर क्रोमोसोम, और हर क्रोमोसोम डिवाइड हुआ कितने में आ गया, दो दो चार, डिवाइड तो होना शुरू हुआ था कहां से, मेटा फेज से ही, और एना फेज में जाकर क्या हुआ था, पूरा सेपरेट हो गया था, है ना। तो वहां से तुम्हें क्या हुआ था, दोनों तरफ से खींचा, अच्छा सॉरी एना फेज है ना, ये मेटा फेज है, कहां पे, एनाफेज में, पहला पॉइंट। दूसरा एनाफेज में हम क्या कर सकते हैं, शेप ऑफ क्रोमोसोम पता कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेप ऑफ क्रोमोसोम, तो शेप एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम ऑब्जर्व इन, शेप एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम ऑब्जर्व इन, इसमें एनाफेज, एनाफेज भी हम इसको क्या कर सकते हैं, शेप साइज देख सकते हैं। बताओ क्रोमोसोम कितने टाइप से पड़े थे, चार, कौन कौन, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में क्या होता था, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर बीच में होता था, है ना, इसलिए इसका शेप भी शेप का बनता था, ऐसा पता था। उसके बाद क्या पढ़ते थे, सब मेटासेंट्रिक से हमें पढ़े थे, और जब सेप मेटासेंट्रिक पड़े थे तो इसमें थोड़ा सा एक छोटा आर्म होता था, और एक आर्म क्या होता था, थोड़ा बड़ा होता था ऐसा, है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक जिसमें ये छोटा, बहुत छोटा आर्म होता था, ये बड़ा सा होता था ऐसा, हो गया ना। एक होता था टेमोसेंट्रिक जिसमें क्या होते थे, अरे वो पीछे, यस सर, बट याद कहाँ है सर, है ना, कैसे पढ़ते हो, हो गया ये कोई दिक्कत। तो यहां से हमने देखा इस चीजों को, अच्छा इसमें देखेंगे कि माइटोसिस से क्या क्या फैन, कहाँ पर माइटोसिस होता है और क्या इससे फायदा है, है ना, माइटोसिस क्यों करवाया गया, कॉपी करो इसको। मेटाफेज में क्या करते हो तुम, सॉरी इस पूरे माइटोसिस में क्या कहाँ हुआ था, सबसे पहले ये जो सेल डिवीजन होता है
यही डिवीजन कहते हैं ग्रोथ के अंदर होते हैं, नंबर ऑफ सेम बढ़ाने होंगे तो उसमें होंगे, है ना, टू इंक्रीज क्या होगा नंबर ऑफ सेम, टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेम फॉर ग्रोथ, फॉर ग्रोथ हमारी जो ग्रोथ होती है वैसे सेम के द्वारा होता है। अच्छा जो ग्रोथ होता है उसमें सोमैटिक सेम पासपेट कहते हैं, सेम कितने टाइप का, दो टाइप का, एक जर्म सेम और एक सोमैटिक सेम, तो यहाँ पर जो पासपेट कहता है कौन करता है सोमैटिक सेम, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा इंक्रीज नंबर ऑफ सोमैटिक सेम, नंबर ऑफ सोमैटिक सेम ये हो जाता है। दूसरा इसमें से सोमैटिक डिवीजन भी बोलते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं सोमैटिक सेम डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस में। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सर उन्स हीलिंग, उन्स हीलिंग मतलब अगर घाव हो गया है तो उस घाव को भरने में काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर सेम मर जाते हैं तो मरे हुए सेम को फिर वहाँ पर भरने के लिए वहाँ पर क्या काम आएगा तुम्हारा, ये माइटोसिस करेगा, है ना। अगर तुम्हारे पास कभी फ्रैक्चर हो गया, किसी जगह टूट गए, है ना, रप्चर हो गए, तो उस जगह पर पूरा करने के लिए कौन आएगा माइटोसिस आएगा, वहाँ पर जो नंबर ऑफ सेम भरेंगे है ना वहाँ पर कौन आएंगे, तो रप्चर फ्रैक्चर ये सब जो क्या करेगा, या फ्रैक्चर्ड ऑर्गन, ये जो ऑर्गन होगा ये ऑर्गन कैसे पूरा बनेंगे, ऑर्गन रिपेयर बाय माइटोसिस, रिपेयर बाय माइटोसिस, है ना, इस माइटोसिस के द्वारा हम वहाँ क्या करेंगे इसे रिपेयरिंग, कोई दिक्कत यहाँ पर आगे से नहीं। अच्छा यहाँ से हम लोग गैमेट फॉर्मेशन का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गैमेट में डिप्लॉइड को हाइप्लॉइड में कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे मियोसिस पढ़ेंगे, यहाँ तक इसे रहने दो, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे।